अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेर, क्राइम टुडे न्यूज। तमिलनाडु में बल्दिया के इंतखाबात होने वाले हैं। जयललिता की पार्टी एडीएमके के लेबर मिनिस्टर निलफर कफील के पीए प्रकाशम को लोगों ने 9:30 बजे बल्दिया ऑफिस के अंदर जाते हुए देखा। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स का इल्जाम है कि जितने भी नॉमिनेशन हुए हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या फिर डीएमके, एमडीएमके, डीएमडीके, सारे पार्टी वर्कर्स का कहना है कि जयललिता की पार्टी इनसे घबरा गई है। और उनका कहना है कि लेबर मिनिस्टर निलफर कफील ने अपने पीए प्रकाशम को बल्दिया के ऑफिस में भेजकर अपोजिशन पार्टीज के एप्लीकेशंस को रद्द करने की कोशिश में है। वाजर है कि तमिलनाडु में जयललिता की हुकूमत है और वहां बल्दिया के इंतखाबात होने वाले हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन के नुमाइंदों को शक है कि जयललिता की हुकूमत अपनी ताकत दिखाते हुए उनके एप्लीकेशन को रद्द करने की साजिश रच रही है। इसी वजह से सारे अपोजिशन पार्टीज म्युनिसिपल ऑफिस को घेराव करके एहतजाज कर रहे हैं। तमिलनाडु नूरुद्दीन अतीक के साथ मैं एमएस अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शहर वानेंबड़ी में ये निलफर कफील लेबर मिनिस्टर का एरिया है। इस एरिया में आज का नॉमिनेशन का बल्दिया इंतखाबात का नॉमिनेशन का आखिरी दिन होने की वजह से नॉमिनेशन करके हर एक पार्टी के लोग जाने के बाद तकरीबन 8:30 से 9 बजे के करीब निलफर कफील मिनिस्टर के पीए प्रकाशम अंदर घुसते हुए कॉर्पोरेशन के अंदर घुसते हुए लोगों ने देख लिया और इनका घेरा कर लिया। हर एक पार्टी का इल्ज़ाम यह है कि जो उम्मीदवार यहाँ जीतने के आसार हैं, इंडिपेंडेंट हों चाहे दूसरी और पार्टी से हो, तो उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करने के इरादे से ये जो है सो अंदर घुसे, ये इल्ज़ाम लगाते हुए आज घेरा कर लिया और जो है सो एडीएम के जयललिता की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर। क्राइम टुडे के लिए अतीक की रिपोर्ट, तमिलनाडु। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जारा शेर।